जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। किस प्रकार व्यतीत होगा मेष राशि का अक्टूबर 2024, क्या रहेगा? खैर एक बात तो आपको बता दूं, अक्टूबर 2024 में 20 अक्टूबर से पहले आपकी यात्रा होने वाली है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यात्रा भी काफी सारी यात्राओं का योग है, खैर विदेश नहीं है, प्रदेशिक यात्रा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बाकी भी चीजों के बारे में बात करेंगे, आपका हेल्थ कैसा होगा, आपका वेल्थ कैसा होगा, आपका मुलाकात किससे होगी, आपके फेवरेट कलर कौन से रहेंगे, नंबर क्या होगा, सारी चीजों पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं, यदि आप श्री राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, संगीतमय कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। ये अक्टूबर का महीना पूरी तरह से त्योहारों से भरपूर महीना रहेगा। खैर मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूँ, लाइव बिल्कुल फ्री होता है, आप मेरे साथ उसमें बात कर सकते हैं, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के भी आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। तो अक्टूबर के महीने में मेष राशि यानी आपके लिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, आपके लिए 20 तारीख तक यात्राओं से परिपूर्ण रहने वाला है। हेल्थ कैसा रहेगा, वैवाहिक परिस्थितियां क्या होगी, प्रोफेशनल लाइफ क्या होगी, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, तो सबसे पहले हेल्थ पर बात कर लेते हैं। हेल्थ आपका 20 तारीख तक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। डिप्रेशन इत्यादि के यदि मरीज हैं, एंजाइटी इत्यादि रहती है, फोबिया इत्यादि रहती है, तो उससे बाहर निकल करके आएंगे, उससे बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में काम करने से प्रॉब्लम होगी, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो मुझे अक्टूबर का महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक दिख रहा है। क्रोध पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, फिजिकल हेल्थ बेहतर रहेगा, मेंटल हेल्थ स्पेशली आपको अपने क्रोध पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर क्या अक्टूबर के महीने में कोई चोट या दुर्घटना इत्यादि का योग है, क्या अक्टूबर में प्रॉपर्टी परचेस करना चाहिए या नहीं। तो अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर के बाद आपके राशि स्वामी जो मंगल हैं वो नीचस्थ हो जाएंगे और नीचस्थ होकर के फोर्थ हाउस के अंतर्गत जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर से पहले प्रॉपर्टी परचेस करना आपके लिए फायदेमंद होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद प्रॉपर्टी इत्यादि परचेस करना आपके लिए नुकसानदायक होगा, यहां पर आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर के बाद दुर्घटना इत्यादि का भी योग दिख रहा है, साथ में आपकी हार्ट बीट बढ़े, बेचैनी हो और अपने परिवार से दूर जाने का प्रयास करें। नौकरी के सिलसिले में अक्टूबर महीने में आप अपने परिवार से जरूर दूर जाने वाले हैं या जाने वाली हैं, तो ये घटना अक्टूबर में आपके साथ हेल्थ को लेकर के घटित होगी, बाकी परिस्थितियों को लेकर घटित होगी। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पैसे की दृष्टि से अक्टूबर कैसा रहेगा, तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर आपके लिए शानदार रहेगा। बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में ही गोचर ही कर रहे हैं, वक्री हो जाएंगे 12 अक्टूबर को, लेकिन 12 अक्टूबर तक फाइनेंशियल पोजिशन आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, धन आपके पास आने वाला है, जो भी धन के लिए प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलने वाली है। 12 अक्टूबर के बाद भी अगर देखा जाए 17 अक्टूबर तक, तो आर्थिक परिस्थिति आपकी अच्छी होगी, आप कहीं नए इन्वेस्टमेंट भी करेंगे या करेंगे, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन भी निश्चित रूप से होने वाला है। लेकिन जैसे ही शुक्र जो है वो 12 तारीख को वृश्चिक राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद आर्थिक परिस्थितियां इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। 12 अक्टूबर के बाद जब शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपको आर्थिक इन्वेस्टमेंट से बचने की आवश्यकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के बात करूंगा 2024 अक्टूबर की, तो फाइनेंशियल पोजिशन आपकी अक्टूबर में बेहतर रहने वाली है, आर्थिक दिक्कतें कहीं भी नहीं दिख रही हैं, परिवार के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो
करीब करीब हेल्थ को लेकर के या वेल्थ को लेकर के परिस्थिति अच्छी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन और प्रेम संबंध को लेकर के। तो एजुकेशन को लेकर के और प्रेम संबंध को लेकर के परिस्थिति अच्छी नहीं है। जो बच्चे विद्यार्थी या जो लोग भी प्रेम संबंध को लेकर प्रश्न करना चाहते हैं, आपका अक्टूबर एजुकेशन के दृष्टि से डिस्टर्ब करने वाला होगा, बिकॉज आपके पंचम भाव के स्वामी जो सूर्य है वो छठे भाव में केतु के साथ पहले गोचर करेंगे, फिर 17 तारीख के बाद वो नीचस्थ हो जाएंगे और सेवंथ हाउस में चले जाएंगे। इट मीन्स कि एजुकेशन इत्यादि को लेकर के परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी। हाँ, कोई प्यार का इजहार करे, प्रेमी प्रेमिका प्रेम का इजहार करें, इस प्रकार की परिस्थिति जरूर रहने वाली है, लेकिन वो प्यार का इजहार एक्चुअल प्रेम नहीं होगा। वो आपकी प्रसिद्धि को देख करके आपकी तरफ अट्रैक्शन होगा, उसमें आप ना ही जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि जीवन साथी के साथ परिस्थिति कैसी रहेगी, जीवन साथी का क्या हाल रहेगा। तो जीवन साथी के साथ अगर हम बात करेंगे, जब तक शुक्र 12 अक्टूबर तक राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, विवाह इत्यादि को लेकर के भी बात होगी, शादी तय होने का योग, जीवन साथी के साथ रिलेशन बहुत बेहतर रहेगा, उनका हेल्थ इत्यादि भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही 12 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे, उसके बाद जीवन साथी के साथ संबंधों में भी दिक्कतें आएंगी और हेल्थ वाइज भी उनका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तो चीजें बेहतर रहें इसके लिए हमें प्रयास करना है। बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी। अक्टूबर में प्रोफेशनल लाइफ वैसे ही रहेगा जैसा करीब करीब सितंबर के महीने में व्यतीत हुआ है। अक्टूबर में मंगल के 20 तारीख के परिवर्तन के बाद प्रोफेशनल लाइफ में परिवर्तन का योग दिख रहा है, स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। खैर, मैं जानता हूं आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए मुझसे, लेकिन समय के कमी होने के कारण, समय कम होने के कारण बहुत सारी जानकारी यहां पर देना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, फ्री में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बड़ी डिटेल में अपने बारे में, कलर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ देते हैं इस कार्यक्रम को विराम। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।